हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपना एग्जाम है एसएससी जीडी से रिलेटेड है। 22 फरवरी 2024 को आता है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट को हम जो देखेंगे वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप चेक करिए, डिफरेंस लग रहा है सभी का, तो यहाँ पर आप -5 करो, यहाँ पर भी -5 -5 -5, ठीक है, सभी में -5 है, तो आगे भी आप -5 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि अपोजिट ऑफ 8 बताना इन दोनों डाइसों में, राइट। तो इन दोनों डाइसों में आप एक काम करिए, जो सेम नंबर उसको सर्च करिए, तो ये आपको 5 5 सेम नंबर दिख जाएगा, ठीक है। अब 5 के साथ जो नंबर है ना, वो एक दूसरे के साथ अपोजिट कैसे बनाएंगे। तो जैसे 6 है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दो, ठीक है। तो जैसे घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाए तो 5 यहाँ आया, राइट, 5 यहाँ आया और 6 नीचे जाएगा, तो 6 नीचे जाएगा, बट आपका जो 9 है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 9 ऊपर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो, ठीक है, इधर भी आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इस वजह से 6 का अपोजिट जो होगा वो 9 होगा, और 7 का अपोजिट उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दो तो 8 हो जाएगा। तो किसका पूछा, 8 का पूछा, तो 8 का अपोजिट जो यहाँ पर होगा 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरचेंज करना है साइंस को, देखते हैं कौन कौन से साइंस। तो आप सारे ऑप्शन ट्राई करो, पहले क्वेश्चन फिर सारे ऑप्शन ट्राई करो। तो भाई मैं आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ, थर्ड को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देता हूँ, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो यहाँ से 7 से गया 6 पर, ठीक है, तो 12 6 72 हो गया, तो 62 -72 + 72 हो गया, -44 हो गया। 72 और 62 कितना हो जाएगा आपको, 134 हो जाएगा, -44 करोगे तो 90 अपना आंसर ठीक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांच वर्ड है, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, DAB यहाँ तक सभी में A है, ठीक है, सभी में क्या है, A है, तो यहाँ पर A है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो लास्ट पोजीशन आ जाएगी, फिफ्थ पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ चारों में A है, तो इसमें आगे देखिए TRRU, तो TRU में पहले कौन आएगा, आर पहले आता है, टी फिर उसके बाद, फिर यू उसके बाद, ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पर ये हो जाएगा, और आपकी फोर्थ थर्ड पोजीशन पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आर से आगे इधर कुछ नहीं है, तो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये आपकी सेकंड पोजीशन, तो आप मैच करिए कैसे आएगा, 3 2 1 4 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, तो DEF नहीं है, तो मतलब देखो नंबर यूज करते, 4 5 7 10 14, तो यहाँ पर आप देखिए +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3, फिर +4, और अब +5 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19। 19 पे कौन सा लेटर आता है, एस, तो आर वाले को हटा दो। यहाँ पर 19 है, 14 है, 10 है, 7 है, 5 है, तो यहाँ पर आप चेक करिए, -5 -4 -3 -2, आप -1 कर दीजिए, कौन सा आ जाएगा, 4 4 पे कौन सा लेटर आता है, डी, एच डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पेपर को फोल्ड किया गया, उसको कट किया गया, तो आप यहाँ देखिए कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिख जाएगा, तो कुछ कट होने के बाद ये पेपर यहाँ तक आया वो मोड़ कर, ठीक है, तो अब ये ओपन होगा तो सर्कल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको लाइन, एक सीधी लाइन दिख जाएगी सर्कल की, तो यहाँ पर 4 सर्कल आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 6 है तो गलत हो गया, यहाँ पर 4 है तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि 5 फ्रेंड है जो कि सर्कल टेबल में बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके, तो 5 5 है ना, 1 2 3 4 5, वरुण जो है वो क्या है, राहुल के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, तो राहुल को यहाँ बैठा दे, और राहुल के लेफ्ट जो होगा ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, ठीक है। और आगे वरुण के बारे में बात की गई है, जो कि इसके बाई तरफ बैठा है, जो इच सेकंड आल्सो सेकंड टू द राइट ऑफ टिन्ना, टिन्ना के ये राइट में है, तो टिन्ना इसके किधर होगी, तो टिन्ना इसके लेफ्ट में होगी, तो लेफ्ट पहुंचा दो सेकंड में, तो 1
टू यहाँ पर टेन आ जाएगा। ठीक, सुरेश जो है वरुण के साथ नहीं बैठा, सुरेश यहाँ नहीं बैठा तो सुरेश यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ राहुल पूछना है, सेकंड लेफ्ट ऑफ राहुल, तो सेकंड लेफ्ट ऑफ राहुल यहाँ पर कोई बैठा है वो हो जाएगा, कौन है यहाँ पर? प्रिया, प्रिया आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10, 28, 46, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 18, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 हो जाएगा, यहाँ पर भी 18 हो जाएगा, तो 64 + 18 आपने करना है, तो पीएससी आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लड रिलेशन है, तो एक्स वाई से किस तरह, एक्स का वाई से रिलेशन बताना आपने, तो एक्स डिवाइड बाई जेड, डिवाइड बाई जेड का मतलब सिस्टर, एक्स जो है वो सिस्टर है किसकी, जेड की, जेड माइनस ए, माइनस का मतलब है ब्रदर, तो जेड जो ब्रदर है किसका, ए का, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, जो ए जो है वो मदर है किसकी, वाई की। ठीक है, तो एक्स का रिलेशन वाई से पूछा, तो एक्स का रिलेशन कैसे होगा, मदर की सिस्टर, ठीक है, मदर के सिस्टर को हम आंट बोलते हैं, तो मदर के सिस्टर दे रखा ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, तो यहाँ पर तो आप देखिए, तो कुछ बॉक्स तो एडिटेड है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको इधर, मतलब दोनों को आपको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया गया है, फिर ये घूम गया, पहले तो ये एक बार घूमा, अब ये दो बार घूम जाएगा। ठीक है, दो बार या तीन बार, सॉरी ये शायद मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो रहा है एडिटेड, अब ये उल्टा आ जाएगा। ठीक है, फिर ये चला जाएगा, लेकिन ये क्या सर्कल वाला घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा, तो आपकी बार जो फिगर बनेगी कुछ इस तरह से आपकी बनेगी, इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे ले आएंगे, और ये घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से फर्स्ट फिगर की तरह आपका आंसर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है फिर से, तो यहाँ पर आप सर्कल देखिए, सर्कल यहाँ आया फिर यहाँ आया, अब की बार जो सर्कल आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पर कॉर्नर में आएगा, अब ब्रेक इक्वल टू का साइन देखिए, तो यहाँ से आपका लेफ्ट से राइट गया, राइट से राइट डाउन से राइट, लेफ्ट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीव को इसने 42 बोला है, टीम को 36 बोला है, तो ऑफर को क्या बोलेंगे, तो वही करते हैं इसको सोल्व, इसको ऐड करके देख दो, 12 + 5 + 1 + 22 + 5, तो 12 और 5 17 और 1 18, 18 और 7 25, 25 और 20 45 - 3 कर दे। ठीक है, देखते हैं अगले, 20 + 5 + 1 + 13, 25, 26 और 13 39, 39 - 3, ठीक है, कुछ नहीं किया, सभी को ऐड करके -3 करना आपने, 15 + 6 + 6 + 5 + 18 और -3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 और 5 आपका 20 हो गया, 12 और 18 50, 30, 30 + 20 आपका 50, 50 - 3 कर दो, 47 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोला कि एक का अपोजिट बताना, जिसमें एक सेम है ना उसमें देख लो क्या क्या है, तो एक सेम वाला नहीं चाहिए मुझे, तो ऐसा कोई फिगर चाहिए जो उसमें 5 और 4 आपका दिखाई दे जाए, चलो पहले एक एक के साथ साथ देखते हैं, एक के साथ कौन कौन है, यहाँ पर 2 है 3 है, ठीक है, 2 है 3 है, यहाँ पर 4 और 5 है, 4 और 5 है। ठीक, एक नंबर रहेगा कौन सा, वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो एक का अपोजिट यहाँ पर 6 आ जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट ये 3 स्टेटमेंट आपके पास है, कंक्लूजन ये आपके 2 कंक्लूजन है। ठीक है, ऑल बाइसाइकिल आर व्हील, सभी बाइसाइकिल क्या है, व्हील है। ओके, सम बाइसाइकिल आर व्हीकल, कुछ बाइसाइकिल क्या है, व्हीकल है, सम व्हीकल आर नॉट टायर्स, कुछ व्हीकल टायर्स नहीं है, तो यहाँ पर कुछ सम का सम है सम नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, टायर्स नहीं है। ठीक है, अब देखो, सम बाइसाइकिल आर टायर्स, कुछ बाइसाइकिल क्या है, टायर्स हैं, क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा
तो इसको गलत कर दो, ठीक। सम व्हील आर नॉट व्हीकल, कुछ व्हील व्हीकल नहीं है। तो भाई लेकिन कुछ तो है ना, देखो यहां पर अगर इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम पॉसिबिलिटी वर्ड लाते हैं, और ये पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता है ना तो ये भी आपका ठीक होता है। क्यों क्यों, क्या बोला आप, इसको बता रहे हो और मैं इसको बताऊं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक। अगर पॉसिबिलिटी आता तो पॉसिबिलिटी में दोनों कंडीशन में सेम बात होती, तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये भी आपका गलत, तो नाइदर नोर आपको कौन सा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो भाई इन क्वेश्चनों को देखिए, तो 46 बनाना है इन सभी से, तो 46 कैसे बनाओगे, तो ओ की जगह अगर मैं भाग कर दूं तो ये आपको कितना दे देगा, पूरा का पूरा 11 दे देगा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये 25, सॉरी 25 नहीं 35 आ जाएगा, 35 प्लस 11 करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप इस पर ट्राई करना, ये मेथड जिसकी जगह हमने सो साइन यूज किया, एम की जगह प्लस का यूज किया, एन की जगह प्लस का यूज किया, ओ की जगह भाग का यूज किया है, तो 40 और 70 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 17 से 85 गया तो 5, तो प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 115 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीच को बोला गया ये, स्टडी को ये बोला गया, नेवर को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं, 20 5 1 3 8, तो 20 और 5 25, 25 और 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा आपका 37, 37 का ये मुझे डबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 4 प्लस 25, तो 25 25 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80 और 89, ये 89 का डबल है, ठीक है। सम करके उसका डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 14 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, तो 22 और 18 कितना हो जाएगा 40, 40 और 10 आपका 50, 50 और 10 आपका 60, 60 और 4 आपका कितना हो जाएगा 64, 64 का डबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 128, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, फिर से देखो मिस किया गया है, तो जी जी एच आई जे जे, फिर जी जी स्टार्ट हो गए, तो जे जे तक क्या है, सभी मैच हो रहे हैं, तो यहां से जे तक का पेयर आप बना सकते हो। तो आप देखो जी जी एच क्या आएगा, यहाँ पर एच बी डबल है तो एच आएगा, ठीक है, एच वाले ऑप्शन को रखो, बाकी डिलीट करो, ठीक है। आगे देखते हैं, एच जी जी एच एच आई आई, आगे क्या है, दो बार आई है, ठीक है, तो आगे क्या है, दो बार आई है, तो इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, कट करो, एक बचा ही, अपने आप खुद फिल करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 6 कलीग हैं और सर्कल में बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करते हुए, बैठा दो सेंटर की तरफ, 1 2 3 4 5 6, पीटर जो है वो सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यूइन, क्यूइन के राइट में बैठा, तो क्यू क्यू इधर बैठा दे, और इसका राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा इधर, तो ये कौन कौन है, पीटर है, ठीक है। टीना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पीटर, अपने काम का नहीं है, बाद में देखेंगे, सेम जो कि क्वीन के लेफ्ट में है, तो भाई सेम जो क्वीन के लेफ्ट में है, तो क्वीन के जस्ट लेफ्ट में, तो यहाँ पर कौन है, सेम, और इसके बारे में आगे बोला गया, जो ये है ना, ये क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ उलियासेस, तो सेम के ये आपके किस दर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। वो इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टीना, टीना के राइट, टीना कहाँ बैठे, टीना जो है पीटर के साथ में नहीं बैठे, तो पीटर यहाँ, तो टीना यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी। बोला कि टीना के राइट में कौन है, टीना का राइट किधर होगा, इस तरफ होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट मतलब बिल्कुल नजदीक वाला राइट पूछा, तो ये आपका यू वाला आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन को बोला गया ये, तो आप देखोगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मैच हो रहे हैं, तो आप जस्ट आइडिया लगाना क्या हो गया, तो फंक्शन को ये बोल दे, TION CNUF, तो आप देखोगे कि आधा आधा आपको क्या किया, चेंज किया गया है, राइट, लेकिन इस आधे को क्या किया, एज इट इज रख दिया, ओके, इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, देखो, ठीक है, तो मतलब ये वाला आधा एज इट इज आ जाएगा, TERS लास्ट वाला, और ये वाला आधा उल्टा हो जाएगा, तो SULC आपका आंसर दे देगा, एल इधर लास्ट में कट हो गया, और इधर यू है ये कट हो जाएगा, और इन दोनों ऑप्शन में क्या मैच नहीं हो रहा, इन दोनों ऑप्शन में
यार ये मैच नहीं हो रहा, तो ये आप आंसर दे दे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग का क्वेश्चन है फिर से। तो यहाँ पर आप कैजुअल देखो, फिर से सारे के सारे लेटर क्या है, सेम है, तो डिबेट को आप देख सकते हो। तो डिबेट पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप फर्स्ट वाले पे खुद ट्राई करना। तो ई डी बी एल ई डी, क्या बोला कि डी ए को उल्टा कर दिया, क्रॉस कर दिया, बी ए को एडिटेड रहने दिया और टी को, टी ई को फिर उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा एडिटेड उल्टा दो दो के पेयर में। तो ई एफ है तो एफ ई हो जाएगा, ठीक है। एफ ओ इसको उल्टा कर दिया तो एफ ओ को एज इट इज रहने दो, ओके। आर टी को भी उल्टा कर दो, टी आर हो जाए, तो ये आपका ऑप्शन मैच करेगा। एफ ई ओ, एफ ई ओ इधर गलत है, एफ एफ ये गलत है, एफ ई एफ ओ टी आर थर्ड ऑप्शन वैसे भी राइट है, टी आर ये गलत है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग 1 क्वेश्चन अच्छे समझ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव नेक्स्ट। जय हिंद।